कि 2014 में जिस मंजिल को लेकर के हम निकले हैं, देश के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो थानी है, जिसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, देश जिन बीमारियों में फंसा हुआ है इससे बाहर निकालने का काम, देश जिन सपनों को लेकर के चल रहा है, इन सपनों को लेकर के योजना पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास, देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पल पल देश के विकास के लिए काम आए, पाई पाई देश की भलाई के लिए काम आए, इसके हम लगातार लड़े हैं, हम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी, और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए, अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है।